प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनहरे कपड़े पहनकर आज राम मंदिर पहुंचे। राम मंदिर में प्रवेश करते समय पीएम नरेंद्र मोदी अपने हाथ में लाल रंग के कपड़े में लिपटा चांदी का छत्र लिए हुए थे। इसे उन्होंने राम लला को अर्पित किया। छत्र और वस्त्र के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगे पांव थे। इस दौरान दर्शक दीर्घाम बैठे साधु और संत काफी प्रफुल्लित नजर आ रहे थे। पीछे बैठे वीआईपी अतिथि अपने मोबाइल फोन से इस दृश्य को कैद करते भी दिखाई दिए। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रभु श्री राम लला स्वर्ण आभूषणों से लदे हुए नजर आए। उनकी आभा देखते ही बन रही थी। गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के समय प्रधानमंत्री मोदी के अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगल धुनों के बीच प्राण प्रतिष्ठा की। पीछे की पंक्ति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहीं। राम मंदिर में पहुंचते ही सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने पर्दे के उस पार रामलला की मूर्ति के दर्शन किए। सोने से सजे राम की मूर्ति देखकर हर कोई अभिभूत नजर आया। इसके बाद यजमान के रूप में प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ में कमल का फूल लेकर अनुष्ठान विधियों को आरंभ किया। इस दौरान अस्थाई मंदिर में विराजमान रहे रामलला की मूर्ति भी सामने रखी गई। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला लिया था, तब रामलला टाट से अस्थाई राम मंदिर में स्थापित किए गए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी स्थापना की थी। अब भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अस्थाई राम मंदिर के रामलला को भी सामने रखा गया था। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगे पांव मंदिर पहुंचे। लाल रंग के कपड़े में लिपटे चांदी के छत्र के साथ वह नजर आए।